जिस किसी से भी आज के टाइम पे बात करें, हर तरफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, हर रोज कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ बस यही सुनने में मिलता है। चाहे फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर लें, रिलेटिव्स के साथ बात कर लें, हर तरफ बस एक ही टॉपिक होता है इस पैंडेमिक का। और जब भी कोई मुझसे ये बात करता है, चाहे वो मेरा क्लाइंट है या मेरा कोई क्लोज वन फ्रेंड रिलेटिव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात जब हो रही होती है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। अब ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इट मींस आपका स्टमक भी अपसेट है, आप क्या डाइट खा रहे हैं, आपका ब्रेन और आपका स्टमक, चेक योर डाइट, अवॉइड व्हाइट आइटम्स, अपने डाइट में फॉलिक एसिड्स, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सबको इंक्लूड कीजिए। फ्रूट्स के फॉर्म में, पल्सेस के फॉर्म में, चाहे आप अपने आटे में 5 तरह का आटा मिक्स करके उसे बनाकर यूज कर सकते हैं, ये बहुत से रोगों में, डिजीजेस में बहुत फायदेमंद होता है। आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला जिम में मैं 3 घंटे जिम में लगाता हूँ, और बातों ही बातों में थोड़ी देर बाद उनकी बात से पता चला कि उन्हें एंग्जाइटी है, कई बार वो डिप्रेसिव सा भी फील करते हैं। अब आपने जिम में तो अपना टाइम लगा दिया, 2 घंटे 3 घंटे बॉडी की एक्सरसाइज कर ली, बट व्हाट अबाउट ब्रेन? ब्रेन की एक्सरसाइज की है आपने? कितने लोग ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं इस पैंडेमिक में? जब उनसे ये क्वेश्चन मैं पूछती हूं तो कोई आंसर नहीं होता। अब ब्रेन की एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों फोन पर चैटिंग करें, गप्पे मारें, गॉसिपिंग करें, चुगलियां करें, व्हाट्सएप पर फिजूल के मैसेजेस पढ़ें, ये तो और ज्यादा नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। ब्रेन की एक्सरसाइज का मतलब है बॉडी के साथ साथ जो 3 पार्ट हैं ब्रेन के, जी हाँ, लेफ्ट, राइट एंड मिड पार्ट, इन तीनों की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिव होता है तो थॉट्स आते हैं, करेज के थॉट्स आते हैं, कुछ करने की आपके अंदर अगर कोई इच्छा है, कुछ हिम्मत है, उसके थॉट्स आपको लेफ्ट ब्रेन देता है। आप सोचते हैं आई हैव टू डू इट, आई विल हैव टू डू इट। और जब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है तब आप क्रिएटिव होते हो, आपका दिल उस वक्त बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ताजे ताजे आप किसी रिलेशन से आपका ब्रेकअप हुआ है तो उस वक्त आपका मन होता है सैड सॉन्ग सुनने का, और अगर आप खुश हैं, हैप्पी मूड में हैं, तो फिर आपका अच्छे सॉन्ग सुनने का मूड करता है। जब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा होगा, आप बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपका लेफ्ट ब्रेन और राइस नोस्ट्रिल्स चल रही होगी, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का राइट पार्ट आपके लेफ्ट ब्रेन को ऑपरेट करता है। और जब आप सेंसिटिव होंगे, किसी चीज को आप फील कर रहे होंगे, फीलिंग्स में होंगे, आपको रोना आ रहा होगा, अकेले रहने का मन करता होगा, तो उस वक्त आपका राइट ब्रेन और आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल काम कर रही होगी। का जो आपका ब्रेन का मिड पार्ट है वो आपकी इंट्यूशंस को शो करता है। तो आपकी जो राइट नोस्ट्रिल्स है, जो बॉडी का राइट पार्ट है आपकी, वो सूर्य को इंडिकेट करता है, और बॉडी का जो लेफ्ट आपकी नोस्ट्रिल्स है वो मून को इंडिकेट करती है, इमोशंस को, सेंसिटिविटी को। नाउ द थिंग इज, व्हाट शुड यू डू टू एक्टिव योर ब्रेन एक्चुअली?
आप ऐसा क्या करें जो आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी एंजाइटी को कम करे। ओवरथिंकिंग इज गुड, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम ये तब बनती है जब आपको एक क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, खुली हवा में सांस लें। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, ब्रेथ एक्सरसाइज करें। इट मेक्स योर ब्रेन, माइंड एंड बॉडी फिट। शुरुआत में आप इसे 5 मिनट से स्टार्ट करें और फिर इसे अपना टाइम आप आगे बढ़ाते रहें। फर्क आप खुद महसूस करेंगे, सिर्फ अपनी बॉडी, माइंड और ब्रेन में नहीं, अपने फेस में भी आपको ग्लो आता हुआ नजर आएगा। अब ये एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, ये भी एक तरीका है। बहुत प्रॉपर वे में आपको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे आप देख सकते हैं और उस प्रॉपर वे से ही आप ये एक्सरसाइजेस करें। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। जितनी भी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेसिव मोड में लोग इस टाइम पर, इस पैंडेमिक में फील कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें अगर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अमल में लेकर आएंगे, अप्लाई करेंगे, खुद अच्छा फील करेंगे, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा फील करवाएंगे। बॉडी की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आज से ब्रेन की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कीजिए।